करीब डेढ़ माह पूर्व कन्नौज में एक व्यापारी से धोखाधड़ी कर सोने की चेन और पेंडल ठगी करने वाला आरोपी हैदर अली ईरानी राजस्थान के छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में पकड़ाया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि 6 सितंबर को गणेश चौक कन्नौज के पास कृषि दवाई व्यापारी कैलाश चंद पिता राम गोपाल धूत के यहाँ दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए। पहले तो कृषि संबंधी दवाई की बात की और फिर कहने लगे कि तुम्हारी गले में जो चैन है वह मेली हो गई है, उसे हम चमका देते हैं। उनके कहने पर श्री दूत ने चेन तथा उनमें लगा पेंडल निकाल कर दे दिया। दोनों अज्ञात आरोपियों ने उस पर कुछ पाउडर नुमा लगाया और एक रुमाल में बांधकर उनसे कहा कि इसे गले में रख लो। श्री दूत ने रुमाल गले में रख लिया। इस बीच दोनों आरोपी वहां से चले गए। आधे घंटे बाद श्री दूत ने गले में से रुमाल निकाल कर खोल कर देखा, उसमें पेंडल तथा चेन दोनों गायब थे। इन आरोपियों के कन्नौज में इसी तरह की ठगी की जाने की चर्चा है। पुलिस की पूछताछ में और भी जानकारी मिलने की संभावना है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। 6 सितंबर को थाना कन्नौज में कृषि विकास केंद्र की दुकान चलाने वाले कैलाश चंद धूत के साथ एक ठगी हुई थी, उसके सोने की चैन को चमका देने के नाम पर। और दो व्यक्ति आए थे और वो लेकर रफू चक्कर हो गए थे। बाद में यह व्यक्ति हैदर अली ईरानी भोपाल के रूप में चिन्हित हुआ था, जिसकी सूचना हमको राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी में अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली। तो तत्काल टीम भेजकर हैदर अली को गिरफ्तार किया और लाकर यहां मेमोरेंडम बनाकर उसके पते भोपाल पर ले जाकर जो 3 तोले की चैन उसके द्वारा ठगी की गई थी वो हमने जब्त किया है, जो 1,65,000 रुपए का है। उसका एक और साथी तनवीर अली, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, और इसमें पुलिस टीम ने काफी मेहनत करके इस प्रकरण का खुलासा किया है। तो पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने इसमें इनाम की भी घोषणा की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।